हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन। दोस्तों, मैं आजकल विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आइए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा हुआ CET/NRA, दोस्तों ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया एक स्कीम है, जो भी छात्र SSC बैंक रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए ये स्कीम लाया गया है। फिलहाल उनके लिए लाया गया है, आगे सारे जो भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी पे लागू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल में SSC बैंक और रेलवे के लिए ये स्कीम लाया गया है। दोस्तों, CET के बारे में अगर हम जाने, CET का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक, या इसको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कहते हैं। आइए इसको देख लेते हैं क्या है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, समझने का प्रयास करिए। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक, एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको कहते हैं। और जो NRA लिखा है उसका मतलब होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। यानी कि जो CET, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इससे ये अर्थ निकलता है कि कोई एक ऐसा एग्ज़ाम होगा या ऐसा कोई टेस्ट होगा जो सबके लिए कॉमन होगा। जैसे दोस्तों अगर हम एकेडमिक स्कूलों की बात करें, तो जब भी हम हाई स्कूल 9th या 10th में एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जो सबके लिए समान होता है। यानी कि सबके लिए एडमिशन लेने की प्रक्रिया वही होती है कि पहले एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद जो भी एडमिशन का प्रोसेस है उसको फॉलो करना होता है। तो जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो सबके लिए सेम होता है, बस क्लास वाइज उसका जो पैटर्न होता है वो हाई और लेवल, जो उसका एग्ज़ाम का जो पेपर होता है उसका लेवल हाई और लो होता है, लेकिन पेपर सबको देना होता है वही पेपर, ठीक है। उस पेपर का नाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। और इसी तरह ये CET लाया गया है। CET जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ SSC और बैंक और रेलवे का जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो SSC है, SSC बैंक और रेलवे, ठीक, SSC बैंक और रेलवे का जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अभी ये स्कीम लाया गया है। इसका मतलब SSC का पेपर देने से पहले आपको CET क्वालिफाई करना होगा, और CET एज अ टायर फर्स्ट, ठीक है। CET का मतलब हुआ टायर फर्स्ट, और CET का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उस टायर फर्स्ट की जो वैलिडिटी होगी वो 3 साल का रहेगा। यानी कि CET का जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम एक तरह से रहेगा, और उस सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होगा वो 3 साल तक होगा। यानी कि अगर आप CET का एग्ज़ाम एक बार दे दिए हैं तो आपको सिर्फ Tier 2 की तैयारी करनी पड़ेगी इस तीनों एग्ज़ाम में से किसी एक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आप SSC का तैयारी कर रहे हैं तो CET का अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं तो आप SSC के Tier 2 की तैयारी करेंगे 3 साल तक। मतलब अगर पहले साल में आप क्वालिफाई हो गए Tier 2 भी तो जो बहुत बेहतर बात है, नहीं तो आपको 3 साल तक टायर फर्स्ट की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ Tier 2 की तैयारी करनी होगी, ठीक है। CET का मेन मतलब ये हुआ। और NRA क्या होता है, तो जो CET एग्ज़ाम है जो जिस एजेंसी के अंदर होगा उस एजेंसी का नाम है NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें कौन कौन से बच्चे आएंगे, तो जो बच्चे या जो छात्र 10th में पढ़ते हैं, 12th, जो बच्चे 10th पढ़ चुके हैं, 12th पढ़ चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इन्हीं तीनों के लिए ये चीज़ फॉलो होगा। मतलब कैसे, अब आप CET का एग्ज़ाम दिए, CET क्वालिफाई हो गए, ठीक है, CET क्वालिफाई हो गए, और फिर SSC वाला रिक्रूटमेंट आ गया, SSC ने अपना फॉर्म निकाल दिया, अपना वैकेंसी निकाल दिया, CET क्वालिफाई है, वो हम उसके लिए हम एग्ज़ाम करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग SSC के Tier 2 का तैयारी करेंगे और Tier 2 क्वालिफाई होगी, उसके बाद जो भी उसका एग्ज़ाम का प्रोसेस होगा उसको फॉलो करते हुए आप सेलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि 3 साल तक आप क्या करेंगे, सिर्फ Tier 2 की तैयारी करेंगे अगर CET क्वालिफाई कर गए, ठीक है। नेक्स्ट, इससे हमको बेनिफिट क्या है, इससे किस प्रॉब्लम सरकार ये चीज़ क्यों लाई, उससे क्या बेनिफिट सरकार को हुआ, छात्रों को क्या बेनिफिट होगा, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अगर हम चलें नेक्स्ट पेज पे, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी हम लोग फॉर्म भरते थे तो फॉर्म को हम लोग क्या करते थे, बार बार
बार बार भरने का मतलब कि अगर SSC फॉर्म निकालती है तो एक बार हम NPS का फॉर्म भरते थे, फिर CHSR का फॉर्म भरते थे, फिर जो है CPO का फॉर्म भरते थे, या रेलवे ने निकाला तो हम लोग क्या करते थे, रेलवे ALP का फॉर्म भरते थे, फिर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरते थे। अब आपको बार बार फॉर्म भरने से छुटकारा मिल जाएगा, और जब बार बार आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो बार बार आपको फीस नहीं पेमेंट करनी होगी, और बार बार फीस नहीं पेमेंट करनी होगी, बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, और आपको एग्ज़ाम देने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। CET ने मतलब NRA ने एक सेंटर बनाएगा, NRA एक सेंटर बनाएगा कहाँ पे, छात्रों के हर एक ज़िले में, ठीक है, हर एक ज़िले में एक इसका सेंटर होगा जहाँ पे एग्ज़ाम होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक से अधिक सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन हाल में एक ही सेंटर रहेगा जहाँ पे बच्चे, ठीक है, तो आपको अपने शहर से दूर नहीं जाना पड़ेगा, भीड़ नहीं होगी ज़्यादा, ठीक, ये सब इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। और जब एक ही पेपर होगा तो सरकार अपना जी जान लगा देगी उस पेपर को सही ढंग से करवाने में, यानी कि पेपर के लीक होने का जो चांस होगा वो बहुत कम हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि पेपर के लीक होने का चांस ना के बराबर हो जाएगा, यानी पेपर लीक होने का चांस ना के बराबर हो जाएगा, पेपर आराम से हो जाएगा। लेकिन हाँ, सिलेबस की अगर बात करें तो अभी कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि किसी भी जो CET एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या होगा, लेकिन सिलेबस जो भी होगा सबके लिए लगभग समान रहेगा, बस लेवल थोड़ा हाई और लो हो सकता है। और आगे अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को दोस्तों जैसा कि पता होगा कि जो भी बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में गेट की तैयारी करते हैं या गेट क्वालिफाई कर लेते हैं उसका एक साल का उसका वैलिडिटी होता है, और जब NTPC या महारत्न कंपनियाँ जो होती हैं वैकेंसी निकालती हैं तो वो वैकेंसी में अपने सबमिशन की सबमिट की रहती हैं कि जो भी गेट क्वालिफाई है उसके लिए भी ये वैकेंसी है, या जो गेट क्वालिफाई है उसका डायरेक्ट सेलेक्शन हम लोग करेंगे, ठीक है, वो उन्हीं के लिए होता है। तो ये जो है वो सिर्फ SSC बैंक और रेलवे के लिए है, यानी कि 10th के लेवल और 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल जो CET एग्ज़ाम कराएगी सबके लेवल एक, मतलब सिलेबस तो एक ही रहेगा लेकिन लेवल जो है हाई और लो होगा, तो सिलेबस समान होगा। और CET जो होगा NRA एक साल में दो एग्ज़ाम दो बार करवाएगी CET का, ठीक, CET का दो एग्ज़ाम होगा एक साल में दो एग्ज़ाम, ठीक। अब आपको क्या फ़ायदा रहेगा, आपको ये फ़ायदा रहेगा कि बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा जिससे हम फी नहीं पेमेंट बार बार करेंगे, और बार बार आने जाने में दिक्कत नहीं होगा कि हम आज हमारा गोरखपुर में पेपर है या लखनऊ में पेपर है तो कल हमारा दिल्ली या बनारस में पेपर है, ऐसे अब आप लोगों को भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इससे छुटकारा मिल गया। और हम क्या करेंगे, अगर एक बार CET क्वालिफाई कर गए, एक बार CET पास कर गए तो हम टायर फर्स्ट की तैयारी छोड़ के सिर्फ टायर सेकंड को फोकस करेंगे और सिर्फ टायर सेकंड की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, इससे बच्चों को फ़ायदा होगा। सरकार को क्या फ़ायदा हुआ कि एग्ज़ाम जब होगा एक ही तो इस सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार तैयार नहीं करना पड़ेगा, मतलब बार बार पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, सेंटर को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, टीचर जो वहाँ लगे रहते हैं उनको नहीं पेमेंट करना पड़ेगा बार बार, इससे सरकार को भी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये NRA और CET अगर सही से लागू हो गया तो बच्चों को भी बेनिफिट रहेगा और सरकार को भी बेहतर बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो इसका अब बात आती है, सिलेबस ने बताया कि सबका सिलेबस लगभग समान रहेगा, बस ये ऊपर नीचे लेवल ऊपर हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें, और दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेपर अक्सर जो है लड़ जाता था, जैसे SSC CHSL का और RRB ALP दोनों एक ही दिन पड़ गया तो दिक्कत होता था, सरकार को भी दिक्कत होती थी कि कैसे मैनेज किया जाए इसको कि अलग अलग डेट पर पड़े, और बच्चों को भी दिक्कत होता था कि दोनों पेपर कैसे एक ही साथ एक ही दिन कैसे, तो इससे भी हम लोग को छुटकारा मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें, और ये जो स्कीम आई है वो बहुत बेटर स्कीम है, ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। आज के लिए बस इतना ही, अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, धन्यवाद, नमस्कार, चलिए।